फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड क्लास 8 मैथ्स, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रैशनल नंबर। लास्ट क्लास में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर, इन विच वी हैव स्टडीज क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द रैशनल नंबर्स विच इज़ कम्यूटेटिविटी। लेट्स सी वट इज़ कम्यूटेटिविटी। मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर्स हैं, नंबर ए एंड नंबर बी। अगर आप उन दो नंबर्स का एडिशन करें, ए प्लस बी आपके पास आ जाए, दैट विल बी इक्वल टू बी प्लस ए। उसका सब्ट्रैक्शन करें और वो भी आ जाए बी माइनस ए। आप उसका मल्टीप्लिकेशन करें एंड दैट विल आल्सो इक्वल टू बी ए। एंड अगेन इन द केस ऑफ डिवीजन, दैट विल बी इक्वल टू बी बाई ए। तो हम बोलेंगे कि दीज नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और जनरल होता क्या है, क्योंकि दो नंबर हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, एडिशन के केस में तो सही है, जैसे हमने ले लिया नंबर 4 एंड नंबर 5, उनका एडिशन किया, दोनों का एडिशन सेम आया। आप उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 माइनस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो डिफरेंट थिंग्स होने से साइन का डिफरेंस आ गया। ओके, साइन का डिफरेंस आने से ए माइनस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो कम्यूटेटिविटी सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करेगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में तो सही है, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। एंड डिवीज़न के केस में 4 बाई 5 क्या 5 बाई 4 के इक्वल होगा, द आंसर इज नो। सो डिवीज़न के केस में भी कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करेगी, और ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी होल्ड नहीं करेगी। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ रैशनल नंबर, अगर आप रैशनल नंबर ले लें कोई 1 बाई 2 या 3 बाई 4, उसके केस में भी देखेंगे तो सेम रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज एसोसिएटिविटी। होगा क्या, यहाँ पे आपके पास एक्शन में आ जाएंगे थ्री नंबर्स, नंबर ए बी एंड सी। एडिशन में अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट टू नंबर को एडिशन करने के बाद थर्ड नंबर के साथ एडिशन करें, या फिर सेकंड और थर्ड को एडिशन करके फर्स्ट में करें, देर विल बी नो डिफरेंस। सो एसोसिएटिविटी इस केस में होल्ड करेगी। सो एडिशन इज़ एसोसिएटिविटी। एडिशन क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर आप फर्स्ट टू नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे और फिर आप करेंगे थर्ड नंबर का सब्ट्रैक्शन, और वहीं इन द सेकंड केस आप करेंगे इन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन, अब नंबर की वैल्यूज़ डिफर करेगी, नंबर के साइन डिफर करेंगे, सो ये इक्वल कभी नहीं आएंगे। सो सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करेगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में फिर से सही है, ये फिर से होल्ड करेगी। डिवीजन के केस में अगेन इट विल नॉट होल्ड, चाहे आप कोई नंबर ले लेके देख लीजिए, द रिजल्ट विल बी सेम। सो दिस इज एसोसिएटिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगेन हमारे पास होंगे तीन नंबर। डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या होगा, कोई नंबर ए जो दो नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसका रिलेशन क्या होगा, दोनों के साथ होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, जैसा हम आइडेंटिटीज़ के केस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, दिस इज़ इनटू, सो मतलब ये मल्टीप्लाई है टू द बोथ नंबर्स। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिवीजन वी हैव ए बी, दिस विल बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट नंबर एंड वी टेक द साइन दैट इज़ माइनस एंड अगेन मल्टीप्लाई द
first number with the second one, that is AC. This is the case in the distributivity. ये था जस्ट एक ओवरव्यू ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज़. सारी प्रॉपर्टीज़ में आप ए बी की डिफरेंट वैल्यूज़ इन द केस ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैशनल नंबर्स आप पुट करके देख सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.